नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला, मुंबई के बिजली कंपनी की लापरवाही, लाल किला हिंसा केस। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि 45 साल के ऊपर के बीमार और 60 साल के ऊपर के सभी लोगों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। देश में 10 करोड़ 40 लाख लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है। तो वही दूसरी खबर की ओर, मुंबई में बिजली कंपनी की लापरवाही। मुंबई के वसई इलाके में रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग को बिजली विभाग ने 80 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया है। खास यह है कि बिल सिर्फ 2 महीने का है। इसे देखते ही बुजुर्ग का ब्लड प्रेशर बढ़ा और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वसई के रहने वाले गणपत नाइक की तबीयत बिगड़ने के बाद अब उनका परिवार सदमे में है। मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की ओर 80 करोड़ का बिल भेजा गया है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरी खबर की ओर, लाल किला हिंसा केस। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू जेल में है, लेकिन उसके फेसबुक अकाउंट पर एक बार फिर वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में दीप सिद्धू ने खुद को निर्दोष बताया है और किसान नेताओं के भड़काऊ भाषण दिखाए हैं। इस वीडियो में दीप सिद्धू प्रदर्शनकारियों को समझाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।